नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल राकेश सर गाजीपुर में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत अर्थात किन देशों से क्या ग्रहण किया गया है। पहले मैं आपको प्रश्न समझा देता हूँ। अगर आपको लगे कि यह वीडियो देखना चाहिए या यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो यह वीडियो आप देखिए, अन्यथा आप स्किप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताया हूँ, 3 से 4 मिनट में आपको इन सभी देशों से जो ग्रहण किया गया है वह याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रश्न समझने का प्रयास करिए। समवर्ती सूची, भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? अगर ऑप्शन दे दिया जाए आपको, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, रूस, कनाडा, फ्रांस, ठीक है, वैसे तो आप सोचेंगे कि 4 ऑप्शन होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ केवल, ठीक है, 4 ऑप्शन तो दिया ही जाएगा। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आप कैसे आंसर सेलेक्ट करेंगे, कैसे याद करेंगे? फॉर एग्जांपल, जैसे मूल कर्तव्य या संसद प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। मैं शॉर्ट में नोट करके आपको बता रहा हूँ, तो आइए दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता ग्रहण किया गया है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा विधि निर्माण भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। अगर संसदीय प्रणाली पूछेगा तो भी आपका आंसर होगा ब्रिटेन। एकल नागरिकता अगर पूछेगा तो भी आपका आंसर होगा ब्रिटेन। अंडरस्टैंडिंग। सेकंड देखिए, अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? तो न्यायिक सांप्रदायिकता ग्रहण किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है या लिया गया है? तो आपका आंसर होगा अमेरिका। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। बातें आपको समझ में आ रही हैं। आगे देखें, जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मनी के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है। 4 ऑप्शन बना सकता है, या डायरेक्ट इसको पूछा जा सकता है कि आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर ऑप्शन आए अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, तो आप जर्मनी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से देखिए क्या ग्रहण किया गया है, राज्यों में शक्ति का विभाजन, या राज्यों में शक्ति का विभाजन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आपका आंसर होगा कनाडा। आइए आगे देखते हैं, बस वीडियो समाप्त होने वाली है, आप टेंशन ना लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आयरलैंड के संविधान की अगर हम बात करें तो नीति निदेशक तत्व को ग्रहण किया गया है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आयरलैंड। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह इसी देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, यानी ये सभी जो तत्व हैं या जो भी तथ्य हैं या जो भी अधिकार हैं वे सभी अलग अलग देशों के संविधान से ग्रहण किया गया है, लिया गया है और भारतीय संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो चलिए देखिए, रूस, रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। तो आपका प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान क्या चीज़, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है,
तो आपका आंसर क्या होगा? रूस। ठीक है, या रूस के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? तो आपका आंसर होगा मूल कर्तव्य। ठीक, लेकिन एक बात आपको मैं समझा दूं कि जैसे ही मौलिक अधिकार पूछेगा, मौलिक अधिकार की जब बात पूछेगा कि किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो उसका आंसर आप क्या बताएंगे? अमेरिका। किसको बताएंगे? अमेरिका को बताएंगे। तो इतना आप याद करिएगा, और कोई भी टॉपिक्स की जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।